एमआई और डिप टू द आर्टिफिशियल मीन बिटवीन टू प्लस रूट टू एंड टू माइनस रूट टू. क्या बोल रहे हो? अकॉर्डिंग टू brainy.rn. सॉरी, वो थोड़ा सा गूगल असिस्टेंट ऑन हो गया था मेरा. चलिए, आप कुछ बोल रहे हो क्या अनुराग? आवाज नहीं आ रही है सर. बोलिए क्वेश्चन. अब आ रही है क्या? बोलिए. हाँ, आपका क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू प्लस रूट टू एंड टू माइनस रूट टू. यही है क्वेश्चन? यस यस. चलिए ठीक है. अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर के बीच का जो मतलब मीन का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो आप एक जगह से दूसरे जगह गए, ठीक है? एग्जांपल लेते हैं, हम लोग समझते हैं इस तरह से. अनुराग, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए. yes. अच्छा, आप यहाँ से यहाँ गए होंगे तो क्या सब जगह सेम स्पीड से गए होंगे कि कभी धीरे हुए होंगे, कभी फास्ट हुए होंगे, राइट? yes. ऐसा हुआ होगा. मान लेते हैं हम लोग यहाँ शुरू में आप जीरो, फिर 5 मीटर पर सेकंड से दौड़े, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20, फिर आप थकने लगे तो फिर 10 हो गया, फिर 5, फिर 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरे जर्नी में कभी स्लो हुए, कभी फास्ट हुए, लेकिन हम लोग बात करें कि आपका ऑन एन एवरेज स्पीड क्या रहा. तो उसको निकालने के लिए आपका जितना नंबर से उसको जोड़ दीजिए, 0 + 5 + 10 + 15 + 20 + 10 + 5 + 0, ठीक है? और कितना पीस हम लोग जोड़ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? या तो यही चीज हम लोग करेंगे, ठीक है? तो वही हमारे क्वेश्चन में दो वैल्यूज दी गई है. एक दी गई है 2 + √2 और एक ये वैल्यू है, ठीक है? ये दोनों वैल्यू हमें क्वेश्चंस में गिवन है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं. मीन निकालने के लिए क्या होगा, दोनों को ऐड कीजिए. अपॉन कितना पीस नंबर है? 1 और 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, राइट? ये कट गया, ये हो गया 4/2, ये कट गया, ये हो गया 2. तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, कोई है ऑप्शन में 2 है क्या? देखो तो ए ऑप्शन शायद. हाँ, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. बताओ, आपको समझ आया? ओके सर, थैंक्स. और क्या क्वेश्चन में डाउट है? अभी रुकिए सर, और किस. हाँ भेजो भेजो, जितने भी डाउट है भेजो उसको. हाँ आया, इसमें से कौन सा बताना है, 3 या 4? 3 वाला. 3 वाला. द एम बिटवीन 1 - x + x² and 1 + x + x² इज. अच्छा, ए एम का मतलब क्या हुआ पता है? नो सर. अर्थमेटिक मीन के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है? तो हम लोग इसको किस तरह से निकालेंगे वो समझते हैं. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा वे में सॉल्व होगा. बाकी अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है? हम लोग इसको समझते हैं. सबसे पहले हम लोग को गिवन इक्वेशन क्या है उसको लिख लेते हैं. गिवन हमारा है क्यों? गिवन है टू एक्सप्रेशन इज 1 x + x² and 1 + x + x², ठीक है? हम लोग को फाइंड क्या करना है? टू फाइंड. आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, जेई की या नीट का? सॉरी, जेई या फिर बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो कि जेई का?
किसी का तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम? बोर्ड्स जी चलो ठीक है, यस बीएससी बोर्ड्स की ना। अच्छा देखो, यस तो इस तरह से अगर आपको मान लो अगर बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो जैसे हम लिखवा रहे हैं ना उसी तरह से आपको बोर्ड्स में लिखना है अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो। ठीक है, ओके ओके क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा मान लो अगर 5 नंबर में आ गया या फिर 3 नंबर या 4 नंबर में आया तो इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, फिर लिखते हैं टू फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है द एम। एम का मतलब क्या हुआ? अरिथमेटिक। ऑटोमेटिक यस, ऑफ द टू एक्सप्रेशन। जब दो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो, गिवन हो। ठीक है, यस अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, रिकॉल करते हैं फॉर्मूला। इसी तरह से लिखते हैं रिकॉल द फॉर्मूला। अगर इस तरह से अगर आप लिख दिए ना तो आपका बोर्ड्स में 5 नंबर कभी नहीं कटेगा। यस फिर हम लोग लिखते हैं द अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन ऑफ क्वांटिटीज ए एंड बी इज गिवन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एम का अर्थमेटिक मीन का वो होता है ए प्लस बी अपॉन टू, अगर दो नंबर है तो, या फिर उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ द वैल्यूज, या फिर एन या फिर टू लिख लो अभी इस केस पे। ठीक है चल, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग ये देखते लिखा है हैं सर क्या 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 कहां पर जी सम वाला गिवन वैल्यू सम ऑफ वैल्यू बाद सम ऑफ वैल्यू। सम ऑफ वैल्यू यानी कि जो भी वैल्यू दिया गया बटा उसको जोड़िए। उसको जो क्या बोलते हैं बटा करके दिया है दो वैल्यू दी गई है ना आपको, 1 - x + x² और 1 + x + x² वो वाली वैल्यूज। ओके अभी हम करके दिखा रहे हैं, आप देखते जाओ। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, एक मतलब आपको मैं सिस्टमेटिक ढंग से सिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं चीजों को। ठीक है, वी हैव द टू इक्वेशन। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, ये सब क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ जाता है ना तो 5 नंबर लाइक हम लोग को समझ में ही नहीं आता कि कैसे लिखे, तो उस केस में आप थोड़ा सा उसका वर्डिंग्स को बस बढ़ा दोगे और अच्छे से लिख दोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सर एक मिनट रुकिए। जाइए चलो चलो। सुनो, हेलो। हाँ हेलो, सर। हाँ बोलिए। चलिए मैं बोलूँ कि अभी रुकू? हाँ बताइए। हाँ, फिर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 - x + x² एंड 1 + x + x². ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसका सम ऑफ द एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेशन ये हो जाएगा 1 - x + x² प्लस 1 + x + x². ठीक है, ये और ये कट गया तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2 + 2x² 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 1 + x². क्लियर। अब हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं सम ऑफ द गिवन टर्म का। गिवन टू एक्सप्रेशन का ये हो जाएगी हमारी, आवाज आ रही है आपको अनुराग? यस यस सर। हाँ, ये हमारे गिवन सम आ गया, सम की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम लोग लिखेंगे एम को फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। सर एम वाला फॉर्मूला क्या था? ये वाला,
यहाँ पर सम का वैल्यू निकल गया अपॉन टू कर दीजिए, तो सम का वैल्यू आया हमारा ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x+1² / 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये हमारी ए एम की वैल्यू जो निकल के आ गई 1+x². ये चीज निकल के आई, बताओ अनुराग समझ में आया? लिखो लिखो आराम से देख लो, लिखो फर्स्ट पेज से खोल देता हूँ। हाँ लो फर्स्ट पेज से खोल दूंगा, एकदम आराम से समझ लो, कोई नंबर नहीं। यहाँ से सर सम ऑफ गिवन टू एक्सप्रेशन के बाद सम ऑफ टू एक्सप्रेशन। अच्छा मैं शुरू से एक बार समझा दूं क्या? यस सर बता दीजिए। चलिए शुरू से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। दे टू इक्वेशन, ये है, ये इक्वेशन हमें किया दिया गया था, ठीक है। हमें यहाँ पर फाइंड करना था ए एम, यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था गिवन इक्वेशन का। अच्छा अब उसके बाद हमें द अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैसे लिखते हैं क्वाड्रेंट्स में ए और बी के टर्म्स में, वो होता है ए प्लस बी, यानी कि दोनों नंबर का सम अपॉन टू। तो मैंने उसको एक फॉर्मूला बना दिया, सम ऑफ द वैल्यू अपॉन टू, यानी कि जो भी वैल्यूज दी गई है उनको जोड़िए और टू से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। Yes. ठीक है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes. फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमें दो इक्वेशंस दी गए थे, वी हैव टू एक्सप्रेशन, एक है x 1 - x + x² और एक है हमारा x 1 + x + x², तो सम ऑफ द टू इक्वेशन हो जाएगा हमारा आफ्टर द सॉल्विंग यू गॉट द टू, क्योंकि हम लोगों ने इससे टू कॉमन ले ली, ठीक है। ओके okay. हाँ फिर हमें सम ऑफ द गिवन टू इक्वेशन निकालना होगा, ये हो जाएगी ये। अब हम लोग एम का फॉर्मूला पीछे बोले सम ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ द इक्वेशन कितना आया इतना, तो सम ऑफ द इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दिए तो ये हो गया, और नीचे कितना लिखते हैं टू, क्योंकि दो नंबर थे तो टू से कट जाएगा 2 बार में। okay. तो ये वाला चीज हमारा निकल के आया एम की वैल्यू ये। yes. चलो अब आपको लिखना है तो लिख लो, मैं वेट करता हूँ। आराम से लिख सकते हो, क्लियर हुआ कि नहीं ये बता दो। लिख लिया हूँ क्या? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मैं पूछ रहा हूँ क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया सर। समझ आया कि नहीं आपको? बहुत सही बहुत सही आया। चलो और क्या डाउट, और कोई डाउट है क्या? रुकिए सर भेज रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, भेजा क्या आपने सर? आ गया कि नहीं? रुको डाउनलोड हो रहा है, आ तो गया है पर डाउनलोड हो रहा है। Yes. कौन सा नंबर बताना है, कौन सा बताना है? हेलो सर टू वाला आपका नेटवर्क। हाँ कौन सा टू? हाँ सर क्वेश्चन टू बताना है। एन इज द टोटल नंबर ऑफ अ ज्योमेट्री बी एंड बी एंड देन द एम टू द पावर ए ज्योमेट्रिकल मीन विल बी। ठीक है देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जीपी की सीरीज बनानी होगी, ठीक है। हमें यहाँ पर सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीन निकला होगा, ज्योमेट्रिकल मीन यहाँ पर हो जाएगा g1 g2 g3
डॉट 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 जी एन माइनस वन तक, ठीक है, और उसके बाद आएगा फिर जी एन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सीरीज, ठीक है। तो इस सीरीज में अगर हम लोग ए ऐड कर दें, यानी कि ए जी वन जी टू डॉट 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 जी एन माइनस वन अपॉन जी एन, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी सीरीज, ठीक है। अब सीरीज को सॉल्व कर लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला जानते हो, टोटल एन प्लस हो जाएगा, एन प्लस टू इज इक्वल टू हो जाएगा अर्थमेटिक मीन का पावर एन प्लस टू माइनस वन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो ए आर की वैल्यू आ जाएगी एन प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको ए आर को उधर ले आए तो ए आर एन प्लस वन इज इक्वल टू हो जाता है हमारा बी अपॉन ए, ठीक है, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए का पावर, इस दोनों टाइम डिवाइड कर दे रहे एन का पावर वन से, तो ये वाला तो गया इधर आ गया पावर, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग का जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, वो होगी एन माइनस वन, जो कि ए के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं आर का पावर एन माइनस वन माइनस वन, और जी एन की वैल्यू हो जाएगी ए, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू, सॉरी आर इज इक्वल टू एन प्लस टू माइनस वन माइनस वन, क्योंकि हमारा एन की वैल्यू कितनी आई है एन प्लस टू, ये हमें पता है, तो एन के जगह पे हम लोग ये वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा ए का पावर आर प्लस एन, और इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगी हमारी, ए के जगह पे रख दो हमारी वैल्यू, कौन सी वाली सर, ये आर की वैल्यू जो आई है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन सी एन अपॉन एन प्लस वन, क्लियर। चलो ठीक है, अगर आपको समझ आ गया हो तो आफ्टर द एंडिंग ऑफ क्लास आप जरूर से रेट कर दीजिएगा अनुराग, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। थैंक्स, यस, वेलकम।